सर शो शुरू होने से पहले ही द कलर रैबिट को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वरना प्रभा बुरा मान जाएगी सर, प्लीज सर। तू रो क्यों रहा शेरा? अरे भाई कुछ तो बोल, क्यों रो रहा है? अरे मंदिर वही बनाएंगे, तू चुप हो जा। नहीं चाहिए मंदिर। अरे अच्छे दिन आते ही होंगे यार, तू चुप तो हो जा। अरे अपना अच्छे दिन आएंगे ना अच्छी रातें, और ना ही वापस आएगी मेरी रेशमा। कोई गाता मैं सो जाता कोई। हाँ सेक्रेटरी, मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। अरे छोड़कर चली गई रेशमा, मुझे छोड़कर चली गई बे। अरे मत रो भाई मत रो। 3 महीने के रिलेशनशिप को 3 मैसेज करके तोड़ दिया, अरे ऐसा कोई करता है क्या? बोलना बिंदु। अरे अब हो गया तो हो गया, और इस घटना को घटे लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुझे रेशमा को भूल जाना चाहिए। भूल जाओ? अरे ऐसे कैसे भूल जाओ यार, ऐसे कैसे भूल जाओ? मेरे रोम रोम में बसी है रेशमा। अब जब भी लाल रंग के कपड़े पहनूंगा तो मुझे वो याद आएगी, जब भी नाना नानी पार्क जाऊंगा तो मुझे वो याद आएगी, जब भी मैकडोनल्ड में बैठ के मैगी खाऊंगा तो उसकी याद आएगी, और जब भी एड शीरन के गाने सुनूंगा तो उसकी याद आएगी। अरे हद हो गया, सुबह ब्रश करके थूक रहा था तो मुझे उसकी याद आ गई। ब्रश करके थूकने पे उसकी याद क्यों आई भाई? क्योंकि उसने ही तो मुझे ब्रश करना सिखाया था, वरना मेरे पापा तो बचपन से बोलते आ रहे कि शेर कभी ब्रश नहीं करते, तो ब्रश ही नहीं किया कभी। उसी ने मेरे को जानवर से इंसान बनाया और मुझे ब्रश करना भी सिखाया। कैसे भूल जाओ रेशमा को, कैसे? अबे अब चूतिया टाइप का रोना बंद कर और मेरी बात सुन, तूने क्या उखाड़ लिया इंसान बन के? नहीं, हम सब ने क्या उखाड़ा इंसान बनके? भगवान ने हमें मस्त बंदर बना के भेजा था और बोला था कि नंगे घूमो, पर हम लोगों ने इवोल्यूशन के नाम पर भगवान के पूरे कार्यक्रम की ऐसी तैसी कर दी। क्या बोल रहा है तू? और नहीं तो क्या, भगवान आज भी इशारा करता है, हमें बच्चा बना के भेजता है और बोलता है जाओ साले, जहां मुतना है वहां मुतो, जो खाना है वो खाओ, जहां सोना है वहां सो, चलो जब मन किया तब रो लो, नो रूल्स। पर नहीं, हमको तो इंसान बनना है, 2 टाइम ब्रश करना है, लोगों से तमीज से बात करनी है, अपने हिसाब से नहीं दुनिया के हिसाब से चलना है। तो भगवान भी बोलता है वठन दे मुंह में लॉलीपॉप, बना इंसान जाके साथ। तू बोलना क्या चाह रहा है भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ शेरा, कि रेशमा ने तुझे इंसान बना के तेरा भला नहीं किया था, उल्टा तेरी वाट लगा दी थी। क्या बोल रहा है बे तू? हाँ मेरे भाई, तू शेरा था शेरा, ब्रश नहीं करता था, कुल्ला करता था, शर्ट नहीं पहनता था, टी शर्ट पहनता था, स्टारबक्स का काढ़ा नहीं पीता था, टपरी की चाय पीता था, तू वाइन नहीं बल्कि ओल्ड मॉन्ग का सेवन करता था, बाद में कभी शैम्पू नहीं करता था, पर उस करण जली रेशमा ने तुझे अच्छे खासे शेरा से इंसान बना दिया था। सही बोल रहा है भाई तू, उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया था। उसने तुझे अपने हिसाब से बदल दिया था। और सलाम बस, अब एक बार फिर मैं इंसान से जानवर बन के दिखाऊंगा, बचा दूंगा तबाही, और अब मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना और क्या धोना है। तो अब किस बात का रोना है? लेट्स पार्टी, आग लगा देंगे पूरे शहर में। और सुन बे, हम एड शीरन के नहीं गोविंदा के गाने सुनने के लिए पैदा हुए हैं। एक है अनारिया है, कितने बीमारियां है, ये दिल मैं किस किस को दूं? हर एक लड़की मुझ पे है मरती, मैं सबके दिल में रहूं।
मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट। अरे दरवाजा खुला है, अंदर आके बंद कर दो। सेक्सी मेरी चाल भी सेक्सी, ये रुमाल भी सेक्सी है। अरे कभी इसके बच्चों नाच करो। पॉली आज खुशी का दिन है, तुम भी डांस कर लो। पर खुशी किस बात की है तो बताओ। मेरा और रेशमा का ब्रेकअप हो गया है। क्या? यार तुमने सही सुना, रेशमा और शेरा का ब्रेकअप हो गया है। कब हुआ ये? कल रात को। मतलब ऐसे अचानक? अचानक नहीं पॉली, बहुत दिनों से चल रही थी ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अरे उसको इसकी हर बात से प्रॉब्लम था यार। तो चुप करना, तू बता शेरा क्या प्रॉब्लम थी उसको? देख पाली तो जानती है ना, हर बात पे वो रोक टोक लगाती थी, ये करो वो मत करो। अरे रोज रोज का कर्नाटक था ये। अच्छा तो वो रोक टोक करती थी और तू? तू रोक टोक नहीं करता था? ये कहाँ कुछ करता था। तू चुप कर। तू बता शेरा, तूने उसको नहीं बोला था कि वो उस टाइम पे जिम में ना जाए जब लड़के भी जाते हो? तूने उसको बोला था ना कि स्कर्ट में नहीं, वो जीन्स में ज्यादा अच्छी दिखती है। और तूने उसको ये भी बोला था कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड वैभव से बात ना करे, तो रोक टोक तू भी करता था ना? पर वो इसकी बात मानती कहाँ थी? पर ये बोलता तो था ना। देख शेरा मेरी बात सुन, रिलेशनशिप में ये सब चलता रहता है, पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि तू उसके साथ खुश था या नहीं। शायद खुश था। शायद खुश था ना, पर पक्का दुखी हो जाएगा जब तुझे ये रियलाइज होगा कि तू उसको रोक सकता था, सॉर्ट आउट कर सकता था, पैचअप कर सकता था। जो गिल्ट का इमोशन होता है ना, ये साला बहुत गंदा होता है शेरा। तो कल को गिल्टी फील करने से अच्छा है कि अभी सब कुछ सुधार लिया जाए। ये कहाँ गिल्टी है, ये तो नाच रहा था साला। और इसको नचा कौन रहा था? पर उसने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है ना, और मुझे फेसबुक पर भी ब्लॉक कर दिया उसने। तो उसके घर चला जा ना, और अगर शहर भी छोड़ के चली गई होगी ना तो भी तू उसके पीछे चला जा, और उसको अपनी लाइफ से जाने मत दे। शहर और नहीं छोड़ के गई होगी, इसी महीने उसने रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करवाया था। अभी जाओ तुरंत। दौड़ते हुए जा रहे हो, ट्रक के नीचे मत आ जाना। तू भी समझा सकता था ना उसको ये सब। नहीं हे राम, रेशमा टिंडर पे आ गई है क्या? और मैंने राइट स्वाइप भी कर दिया। मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, मेरी चाल भी सेक्सी, ये रुमाल भी सेक्सी है। और एक है अनारिया, कितने बीमारियां है, ये दिल मैं किस किस को दूं। हर एक लड़की मुझ पे है मरती, मैं सबके दिल में रहूं। मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, मेरी चाल भी सेक्सी, ये रुमाल भी सेक्सी है।